हेलो फ्रेंड्स, ये है इंडिगो CS 2014 मॉडल। इसको 85,000 रुपये में ली है। इसको पूरी कंप्लीट करके सेल करना है इसको, तो पूरी कंप्लीट करेंगे इस गाड़ी को। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या क्या काम होगा इसके अंदर, क्या क्या काम करेंगे हम। अभी गाड़ी डेंटिंग के लिए गई थी, डेंटिंग हो चुकी है इसके अंदर। थोड़ा बोनेट वगैरह दबा था, साइड के फेंडर थे, तो गाड़ी तो पूरी कलर होएगी छत को छोड़ के। तो डेंटिंग का काम तो हो चुका है, तो गाड़ी को तो पूरी कंप्लीट करेंगे हम। A to Z इसके अंदर काम करना पड़ेगा, काम बहुत सारा है इस गाड़ी के अंदर। गाड़ी को पूरा अपग्रेड करेंगे। गाड़ी की एंड में आप कंडीशन देखोगे तो इतनी बढ़िया हो जाएगी इसकी कंडीशन। टेल लाइट वगैरह भी दोनों टूटी हुई है इसकी, और इसके अलावा इसका एक साइड ग्लास भी है, साइड ग्लास भी इसका टूटा हुआ है, यानी टेल लाइट भी फूटी हुई है इसकी। ये वाला साइड भी इसका पूरा कलर होगा, गाड़ी पूरी कलर होगी छत को छोड़ के। और अंदर से भी दिखा देता हूँ, दो पावर विंडो है इसके अंदर आगे, और सेंटर लॉक कंपनी का ओरिजिनल है इसके अंदर। इसके अलावा स्पीकर भी बड़े वाले लगे हुए इसके अंदर, जाली भी नहीं लगी है इसके अंदर, तो अंदर से भी अच्छी हो जाएगी इसके अंदर। ये भी टूटा हुआ है जो गियर का ऊपर का आता है, ये इस पर जो गियर का 1 2 3 4 लिखा हुआ रहता है, ये भी टूटा हुआ है, तो ये तो चिपका के लगा देंगे हम। और इसके अलावा इसकी जाली भी रखी है गाड़ी वाले ने, इसमें बड़े वाले स्प्रिंगर लगा दिए, तो इसके वजह से इसमें जाली नहीं बैठती है ट्रिम में, तो इसमें हम छोटे वाले स्प्रिंगर डालेंगे, जब जाके जाली बैठेगी इसके अंदर। तो ये तो हमारा एंड का काम है, और बाकी गाड़ी तो कंडीशन बढ़िया है, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। तो गाड़ी अब जाएगी डेंटिंग के लिए। इंजन की कंडीशन भी आपको दिखा देता हूँ, इंजन की कंडीशन बहुत बढ़िया थी इसकी, इंजन में कोई काम नहीं है, गाड़ी तो बहुत बढ़िया है। और प्लस इसमें जो बैटरी है, बैटरी इसकी ख़राब आई है, बैटरी भी नहीं डालेंगे इसके अंदर। तो अब जाएगी गाड़ी पेंटिंग होने के लिए, तो गाड़ी पूरी अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगी, जब जाके हमको अच्छे रेट मिलेंगे इस गाड़ी के। तो गाड़ी आ चुकी है पेंटिंग पर, इसमें मसाला वगैरह सब दूर भर दिया इसमें पेंटिंग करने के लिए। इसके अलावा हेडलाइट भी खोल दी है। हेडलाइट इसलिए खोली है कि यहाँ पर इस पर कलर हो नहीं पाता सही से, हेडलाइट लगी हुई रहती है इसके वजह से हेडलाइट खोली है, हेडलाइट बाद में फिटिंग हो जाएगी। बाकी हमारा पेंटिंग का काम चल रहा है, इसमें मसाला पुट्टी हो रही है अभी इसके अंदर, और बाकी गाड़ी तो हो जाएगी हमारी कंप्लीट। 3 4 दिन लगेंगे गाड़ी कंप्लीट होने में। तो पीछे डिक्की भी पूरी कलर होगी हमारी, टेल लाइट भी खोल दी है इसकी। तो गाड़ी हमारी कलर होके आ चुकी है, तो 4 दिन लगे, 4 दिन में गाड़ी हमारी कंप्लीट हो गई है कलर की तरफ से। कलर हो गया है इसमें, ब्लैक कलर के नीचे जाली भी उड़ा दी है इसमें, तो कलर का काम तो काफ़ी बढ़िया हुआ है, कलर में कोई दिक्कत नहीं आई है कहीं से भी। अब फिटिंग भी चल रहा है, जो खोला था इसके अंदर फिटिंग का काम चल रहा है, बाकी लाइटिंग वगैरह और एसेसरीज लगेगी अब इसमें। डिस्क भी उड़ा दी है इसके अंदर, ब्लैक कर दिए चारों डिस्क इसके अंदर, और पीछे से भी ब्लैक करवा दिया नीचे का। और गाड़ी की कंडीशन तो बढ़िया हो गई है, कलर वगैरह का काम भी सब बढ़िया हुआ है इसके अंदर। अब इसमें फिटिंग का काम चलेगा, लाइटिंग का, और थोड़ा बहुत मैकेनिकल काम है वो भी करवाना पड़ेगा। और इसका साइड ग्लास भी आ चुका है, तो साइड ग्लास भी फिटिंग करेंगे इसके अंदर, एक साइड ग्लास टूटा हुआ था इसका। और इसके अलावा इसकी हेडलाइट भी बफिंग करवाली है, ये इसकी लाइट है जो पीली पड़ रही थी, ये हेडलाइट बफिंग करवाई है। अगर आपको भी हेडलाइट बफिंग करवाना आपकी कार की, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, मैंने वीडियो दे रखी है, बना रखी है इसके ऊपर। तो हेडलाइट तो हमारी यही साफ़ सुथरी हो गई है, बाकी गाड़ी की कंडीशन तो बढ़िया हो गई है हमारी। तो डेंटिंग का और पेंटिंग का जो हमारा दोनों का खर्चा आया है, वो 15,000 रुपये का खर्चा आया है हमारा। 15,000 रुपये में हमारी लोहारी भी हो गई थी और कलर भी हो गया हमारी गाड़ी पे, दोनों काम हो गया हमारे 15,000 रुपये में। तो थोड़ा बहुत जुगाड़ में भी काम करना पड़ता है, तो ये दोनों साइड ग्लास थे जो पुराने थे, और जो हम लेके आए साइड ग्लास दूसरे, ये दोनों टूटे हुए साइड ग्लास है, और जो हम लेके आए ये भी पुराने साइड ग्लास लेके आए हैं। ये नया साइड ग्लास 800 रुपये का एक आता है, ये दोनों साइड ग्लास हम पुराने 500 रुपये में लेके आ गए हैं, और भी सामान लेके आए पुराना। तो इसकी व्हील कैप है ये चारों टायर की, और इसके पट्टे हैं गेट के, ये दोनों चीज़ हमने कलर करी है, क्योंकि सिल्वर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन करना है, दोनों दोनों का कॉम्बिनेशन करना है गाड़ी के ऊपर। और इसके डोर वाइज़र है ये, इसके ऊपर पट्टी भी लगी हमने सिल्वर वाली, तो थोड़ा वो अब डेकोरेट का काम चलेगा इसके अंदर।
और इस पे स्प्रे करा हमने, ये 200 रुपये वाला स्प्रे लेके आए थे हम, 200 रुपये में आता है ये स्प्रे ब्लैक कलर का। तो ये 200 रुपये में हमारा काम हो गया है, व्हील कैप भी उड़ गई है और पट्टे भी उड़ गए गेट के। ऐसा सीरीज का सामान भी आ चुका है इसमें, तो ये मड फ्लैप आ गए इसके। मड फ्लैप के अलावा इसमें क्रोम वाले हैंडल का सेट है, ये हैंडलों पर लगेंगे क्रोम चारों गेटों पर। और इसके अलावा ये हमारा स्टेयरिंग कवर है, ये भी आ गया है। और ये पट्टे हैं जो बम्पर पे लगेंगे हमारे, चार पट्टे हैं ये, अगले पिछले बम्परों पे लगेंगे ये। और इसके अलावा हमारा ये डोर वाइज़र है जो गेट पर लगते हैं। और इसके अलावा हमारा डैशबोर्ड पर लगेगा ये। और इसके अलावा इसमें टेल लाइट भी आ गई हमारी दोनों नई, और ये सीट कवर भी आ गया इसमें टॉवल कवर। तो काम स्टार्ट हो चुका है हमारा, इसके अंदर लाइटिंग का काम भी चल रहा है, दोनों फोग लैंप भी लग रहा है इसके अंदर, वाइट वाले, वाइट पट्टी है एलईडी वाली वो लगाएंगे फोग लैंप में, हेडलाइट भी फिटिंग हो गई है। और हमारा एसेसरीज का काम भी चल रहा है इसके अंदर, वो लाइटिंग भी लग रही है अंदर डैशबोर्ड के नीचे, तो डेकोरेट भी कर रहा है हम गाड़ी को। पीछे करो पीछे, तो मैकेनिकल काम भी स्टार्ट हो चुका है इसके अंदर। इसके अंदर थोड़ा बहुत ऑयल लीकेज था, ये ऊपर वाला जो ऑयल डालने का जो इसका ढक्कन रहता है ये भी यहाँ से भी थोड़ा लीकेज था, तो इसमें पैकिंग लगा दी है। और नीचे से भी चेंबर के वहाँ से भी ऑयल लीकेज था, तो ये भी हमने बंद करवा दिया। इसके अलावा इसमें साकअप भी डाले है, साकअप सेकंड में डाले हमने, साकअप भी ख़त्म हो चुका है इसका ये वाला, तो अगला साकअप भी डाले इसके अंदर। और ऑयलिंग ऑयल वाइल भी सब चेंज हो रहा है इसके अंदर, तो मैकेनिकल काम से भी सब कंप्लीट कर रहा है इसको, बैटरी नई डाल दी है इसके अंदर। तो लाइटिंग का, मैकेनिकल और एसेसरीज तीनों काम हमारे ख़त्म हो चुके हैं इस गाड़ी के अंदर। गाड़ी में सब कुछ फिटिंग हो गया है, ये भी नई डाली है हमने, ये भी टूट गई थी इसकी पुरानी जो थी, और लाइटिंग वगैरह भी लगवा दी है इसके अंदर। एसेसरीज का सामान भी सब पूरा लग चुका है इसके अंदर। अब गाड़ी जाएगी हमारी पॉलिश पर, तो ये लाइट लग गई है डैशबोर्ड के नीचे ब्लू कलर की, ये भी बहुत बढ़िया लग रही है हमारी लाइट। और इसके अलावा ये जो स्विच है ये भी हमने पुराना डाला है सेकंड में लेकर, क्योंकि इसका ये स्विच है जो स्क्रू कसे हुए थे इसमें, और इसको भी हमने चिपका दिया है। और स्पीकर भी हमने सेकंड में डाल दिए इसमें, छोटे वाले स्पीकर लगा दिए, तो हमारी जाली भी बैठ गई है, तो अंदर से भी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है हमारी। और इसके अलावा ये माइलोमीटर भी बंद था हमारा, ये भी चालू हो चुका है इसका, ये भी चालू करवाया हमने। और टेल लाइट भी हमारी फिटिंग हो चुकी है, और पीछे डिक्की में भी हमने लाइट लगवाई है, एक रेड कलर की लाइट लगी है पिछले बम्पर पर। ये जो पट्टी है ये रेड वाली हमने पट्टी भी लगी है इसके ऊपर, नाइट में अच्छी दिखती है लाइट, तो ये इस तरीके से दिखती है। मैं थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ आपको, तो इस तरीके से दिखती है लाइट ये। तो लाइटिंग का काम भी हुआ है। इसके अलावा इसमें कांचों पर फिल्म भी लगवा दी है इसके अंदर। तो गाड़ी में एसेसरीज और मैकेनिकल और लाइटिंग वाइटिंग जो भी लगवाया है सबका खर्चा हमारा तो टोटल 6000 रुपये खर्चा बैठ गया इसके अंदर। तो 6000 रुपये लगे और हमारे टोटल इसके अंदर, तो ये पूरी हमारी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। अब गाड़ी हमारी जाएगी पॉलिश होने के लिए, लास्ट काम बचा हमारा पॉलिश और इंटर वॉश का, फिर उसके बाद इसमें सीट कवर भी फिटिंग करेंगे लास्ट में। तो गाड़ी हमारी हो चुकी है कंप्लीट, इंटर वॉश पॉलिश भी हो गई है, और नंबर प्लेट भी हमने नई बनवा ली है इसके अंदर। तो गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हो कितनी बढ़िया कंडीशन हो गई है गाड़ी की। अंदर से भी मैं कंडीशन दिखाता हूँ आपको, अंदर से भी इंटर वॉश वगैरह हुई है, और हमारे सीट कवर भी फिटिंग हो चुके हैं इसके अंदर, तो अंदर से भी बढ़िया हो गई है, अंदर का इंटीरियर भी सब बढ़िया हो गया इसके अंदर। और पीछे से तो आप देखो गाड़ी तो पूरी नई लग रही है पीछे से, तो पीछे का लुक बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। तो गाड़ी कंप्लीट होने में 15 दिन लगे, 15 दिन में हमारी गाड़ी कंप्लीट हो गई है, और इसमें जो टोटल खर्चा आया है वो 23,500 रुपये का इसके अंदर खर्चा आया है पूरी गाड़ी कंप्लीट होने में। 85,000 रुपये में गाड़ी लेती हमने, और 23,500 रुपये का खर्चा हो गया इसके अंदर। तो गाड़ी हमको टोटल 1,08,000 रुपये की पड़ गई है, और इसकी डिमांड जो हमने रखी है वो 1,60,000 रुपये रखी है, तो 1,40,000 1,50,000 रुपये में आराम से गाड़ी बिक जाएगी, तो 30-40,000 रुपये हमारे आराम से बच जाएंगे इस गाड़ी के अंदर। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।